विधायक गोपाल कांडा और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीते दूसरे निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। सिरसा से बीजेपी विधायक सुनीता दुग्गल बीती रात गोपाल कांडा और रानिया विधानसभा सीट से जीते रणजीत सिंह चौटाला को चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों विधायक बीजेपी को समर्थन देने को तैयार हैं। भाजपा को समर्थन देंगे, कांग्रेस को मैं बता रहा हूँ, जो शिक्षा का काम करेगा, शिक्षा के काम की जो जिम्मेवारी लेगा उसको समर्थन दे देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। मैं रानिया विधानसभा से MLA चुन के आया हूँ और मैं बीजेपी की मोदी जी की नीतियों को सामने रख के मैं बीजेपी का पुरजोर से समर्थन करता हूँ। केवल 5 महीने में हरियाणा में बीजेपी के लिए बड़ा बदलाव हो गया। लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में 79 सीटों पर बढ़त हासिल की थी और महज 5 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में जीत का आंकड़ा केवल 40 तक ही पहुंच पाया। लोकसभा चुनाव में अकेले हरियाणा में बीजेपी को 58% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 36% पर पहुंच गया, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में बड़ा सुधार किया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल 11 सीटों पर बढ़त बनाई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे 21 सीटों का फायदा हो गया। हालांकि कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट आई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28.4% वोट लिए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महज 28.2% वोट ही ले पाई। लेकिन बीजेपी को झटका JJP और बाकी दलों ने दे दिया, जिनका वोट शेयर लोकसभा चुनाव में केवल 22% रहा था, वो विधानसभा चुनाव में बढ़कर 35% के पार चला गया। एक तरफ शिवसेना बीजेपी से 2.5 साल की सरकार के फॉर्मूले पर तोलमोल कर रही है, तो दूसरी तरफ NCP नेता छगन भुजबल ने शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का खुला ऑफर भेज दिया है। छगन भुजबल ने कहा कि ये उद्धव ठाकरे को तय करना है कि वो NCP के साथ आकर अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर बीजेपी के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करेंगे। आता मी त्याला जर धरला मी काय उत्तर देऊ, शिवसेनेनं ठरवायचं आहे त्यांना उपमुख्यमंत्री पाहिजे की मुख्यमंत्री पाहिजे। चिली में राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा के राहत पैकेज का ऐलान करने के बाद भी वहां जारी बवाल नहीं थमा। मेट्रो के बढ़े किराए पर शुरू हुए प्रदर्शन में अब गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ रहे अंतर और महंगाई जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए और सैकड़ों लोग एक बार फिर राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। बवाल रोकने के लिए तैनात सुरक्षा बल ने लोगों पर पानी की बौछार कर उनको खदेड़ने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। प्रदर्शनकारियों के हमले में सुरक्षा बल की एक गाड़ी में आग लग गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वहां तैनात जवानों पर पथराव किया और कई जगहों पर आगजनी भी की। लोगों ने सरकार के राहत पैकेज को नाकाफी बताया और बड़े पैमाने पर सुधारों की मांग की। चिली में मेट्रो का किराया बढ़ाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए थे। हालात बेकाबू होते देख वहां सेना तैनात कर दी गई थी। हालांकि बाद में सरकार ने मेट्रो का बढ़ा हुआ किराया